चल रही है नेल पेंट को रिमूव करने का काम। ब्लैक कलर लगा रखा था, अभी इसे हटा रही हूँ, दूसरा लगाऊंगी। इतना बढ़िया नेल पेंट लगा के लगता है ना इसमें देखिए हालत एकदम बेकार हो जाते हैं हाथ, इतना काम बढ़ जाता है नेल पेंट लगा के। अगर वो नहीं जरा सा भी खराब हो तो कितना मजा आ जाता है। इसे हटाओ, फिर दूसरा लगाओ, फिर कुछ दिन उसे रखो, फिर उसे हटाओ, फिर दूसरा लगाओ। वाह, कितने काम करने पड़े। आऊंगी थोड़ा सा पहले मैं उसको धो के आऊंगी, क्योंकि ब्लैक कलर था ना बहुत गंदे लग रहे हैं। देखिए और मैं लगाने वाली हूँ ये गंदा कलर। एक बार पहले इनको धो के आती हूँ, देखिए क्या हालत हो गई। देखिए कलर सुंदर सा लग रहा है। दोस्तों मैं तो रोज़ अपने आप को इसी तरीके से खुश रखती रहती हूँ, और नेल पेंट लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब नेल्स बढ़ जाते हैं तब तो मुझे रोज़ होता रहता है कि आए दिन मैं दूसरा लगाऊँ, निकालूँ, फिर लगाऊँ, पर पॉसिबल नहीं होता। मुझे ना स्कूल टाइम में बड़ा शौक था नेल्स बढ़ाने का और नेल पेंट लगाने का, पर उस समय फैलाव इतना होता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। दिन का बज गया एक और लू चल रही है रह रह के बहुत बुरी तरह। एसी चलाने का भी अभी मेरा मन नहीं हो रहा, इसलिए मैं हवा में ही रह जा रही हूँ। इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, कई बार तो जितने ये कर्टेन लगे, ये देखिए सामने ये जो कर्टेन लगे हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले जब हवा चल रही थी पूरा ऊपर तक उड़ जा रहे थे। अभी थोड़ी सी शांत हो गई है, थोड़ी देर में फिर चल पड़ेगी, तो ऐसी है। अच्छा, तो मैं आपको ना बहुत दिन पहले बोली थी कि मैं अयोध्या से थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, तो क्या लेके आई, तो चलिए आज मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। छोटे छोटे से आइटम है, कुछ खास नहीं, क्योंकि मैं वहाँ शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, बट जाती हूँ तो थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि उस जगह की कोई चीज़ लेके आऊँ। तो सबसे पहले तो वो चीज़ आपने मेरी वीडियो में मेरे हाथ में देख ली होगी, एक बड़ी क्यूट सी मैं अंगूठी लेके आई थी, वो दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए ये अंगूठी है और इसके ऊपर लिखा है जय श्री राम। फ्रंट कैमरे की बजाय बैक कैमरे से दिखाती हूँ, तो ये देखिए दोस्तों ये अंगूठी ली थी मैंने, ये लिखा है इस पे जय श्री राम। है ना कितनी क्यूट सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं रेगुलर इसको अपने हाथ में पहनती हूँ, अभी भी पहन ही लेती हूँ। अभी आपको दिखाने के लिए ना मैंने निकाल के रख रखी, तो ये देखिए ये अंगूठी। तो एक तो ये अंगूठी हो गई, और दूसरी चीज थी, क्योंकि वहाँ पे सामान लेके चलते हुए ना मैं कोई बैग बड़ा लेके नहीं गई थी, मतलब साइड में टांगने के लिए, तो मैंने एक वहीं से खरीद लिया था, और वो बैग है ये वाला। वैसे तो आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, पर फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये ब्लॉग है और इस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम अयोध्या, सुंदर सा बैग है और इस तरीके की इसकी ये बेल्ट थी। इस अंगूठी पे भी जय श्री राम लिखा है, यहाँ भी जय श्री राम लिखा है, क्योंकि हम गए ही ऐसी जगह थे, राम जी का ही नाम सुनाई देगा। और क्या लिया था मैंने, हाँ अभी याद करती, एक्चुअली क्या है था, बहुत दिन हो गए
और बहुत दिन होने के बाद चीजें सब इधर उधर करके रख दी थी, इसलिए एक एक याद करनी पड़ रही है मैंने रख कहाँ कहाँ दिए। एक बस ये अंगूठी ही है जो रेगुलर मैं यूज करती हूँ, कोई एक आध दिन हटाती, नहीं तो रेगुलर यूज करती। दो लिए थे हमने ये, और गले में पहनने के थोड़े से जो बेल्ट टाइप के होते ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, हम इसको पहन के ही जा रहे थे। अगेन इस पर भी जय श्री राम लिखा है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पहनने का था। और जब मैंने इसको लेने के बाद ऐसे करके गले में वहां डाला ना, तो बस मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी फीलिंग्स ही चेंज हो गई थी एकदम। मतलब एकदम ऐसा फील आ रहा था उस समय इसको पहनने के बाद कि हाँ अब मैं दर्शन करने आई हूँ, ऐसा सा कुछ हो गया था मेरे साथ। तो ये हो गया, ये दो लिए थे, एक बेटी के लिए भी और एक अपने लिए भी। और प्रसाद जो लिया था वो राम मंदिर पर तो चढ़ाना था नहीं, मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया था, तो वहाँ के लिए तो प्रसाद लिया नहीं था, लेकिन हनुमानगढ़ी गए थे ना वहाँ के लिए लिया था, और वो प्रसाद थोड़ा सा ही था और वहाँ पे वो चढ़ गया था, एक दो लड्डू बचे थे, वो हम घर आए तो हमने अगले दिन खा लिए थे। और बाद में बड़ा दिमाग में आया कि थोड़े से मैं एक्स्ट्रा लाई होती ना, तो इधर उधर देने के लिए तो चाहिए थे, पर वो जल्दबाजी में वापस लौटना था ना, क्योंकि टिकट विकट थी नहीं, अर्जेंट मुझे निकलना था, तो नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, देखा जाएगा फिर। और टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राम जी की फोटो आई है साथ में, आइए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वो मैंने मंदिर में रख रखी। वो देखिए, वो रहे राम जी। तो मुझे तो फिलहाल यही सब याद आ रहा है कि मैंने एक फोटो ली थी, एक बैग लिया था, एक ये रिंग ली थी, हाँ एक दो रिंग और ली थी जो थोड़ी फैंसी टाइप की थी। चलिए वो भी याद आ गई, तो मैं दिखाती हूँ आपको। वहाँ पर से मैंने और तो कुछ नहीं लिया था, दो रिंग और ली थी जो मतलब मेरी तो बेटी ने ली थी, और ऐसे ही शूट वूट करती हूँ तो मेरी भी काम आ जाएगी, यहीं कहीं ड्रेसिंग में रखी होगी। तो मिल गई मुझे ये दो अंगूठी और है, इधर ही साइड करके ही आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो ये छल्ला ही है मल्टी कलर का, मैं इसको भी अक्सर पहन ले रही हूँ उंगली में, ये देखिए। और एक यूनिक से स्टाइल की आजकल जो बच्चों को पसंद आती है वो है ये। ये देखिए इस टाइप की, आजकल के बच्चों को ये सब ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए कुछ इस तरीके की, ये छोटी सी शॉपिंग थी जो हमने अयोध्या में करी थी, और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, पर एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज़्यादा बहुत 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 ही ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, जैसे थोड़ा सा मौसम बदला है, और घर के काम तो हैं ही और उसके अलावा बाहर के भी होते जा रहे हैं, घर के काम भी हैं, और इतनी ज़्यादा दोस्तों आजकल डस्ट आ रही है, क्लीनिंग करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और खिड़कियाँ खुली रहती हैं तो डस्ट भी आ जाती है। बट देखिए घर एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि साफ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यही छोटी सी शॉपिंग थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे ब्लॉग को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया आया है तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, और अगर मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ तो 200 तब तक मेरी पुरानी वीडियोस, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ तो अच्छी नहीं है, जो मैं शुरू शुरू में डालती थी वो अच्छी नहीं है, आप चाहे तो उन्हें भी देख के थोड़ा सा हंस सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तब क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, अब तो फिर भी मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। तो चलिए व्लॉग को कर देते हैं एंड, मिलते हैं आपसे तभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।